और मैम खेसारी भैया के लिए क्या शब्द कहिएगा, क्योंकि सुपरस्टार इतना अच्छा फिल्म और ऊपर से आप इतना अच्छा रोल किए हैं उसमें, मेरे को तो लगा भाई ऐसे सामने से भी आप दिखा सकते हैं, पूरा डॉल ही लगती है एकदम बड़ी टाइप की। का हलबा। आज आप लोग प्रमोशन करने छपरा जिला में जा रहे हैं जो कि खेसारी भैया का होम टाउन है, वहाँ के लोगों के बारे में आपको कुछ पता है? जब मैं अपनी पहली फिल्म की प्रौढ़ी इंस्पेक्टर जी, तब मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब मुझे पता मतलब हाँ एक वो स्कूल के हीरो है बस, इतने बड़े हीरो है मुझे पता ही नहीं। जब छपरा में जाएगा लिटरली मैं आपको बता दूँ वहाँ पे लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बार साउथ की लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में काम की है और मेघा श्री जी आ रही है, तो वहाँ पे आपको क्राउड तो पता चल ही जाएगा। उस पूरी इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट आपके कौन हैं? जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों मैं हूँ प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज़ अप बिहार। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चेहरा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मेघा श्री जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। राइज़ अप बिहार सारे व्यूअर्स को नमस्कार। मैम आपका संघर्ष जो फिल्म है कल आपने प्रीमियर देखा, सबसे पहले मैं ये जानूंगा कैसा लगा जो क्राउड था प्रीमियर में ही इतना ज़्यादा, क्या कहना चाहती हैं उस फीलिंग के बारे में? अगर आप मेरा चेहरा देख सकते तो यू नो आप भी मतलब मेरा एक्सप्रेशन मूड सब कुछ आप समझ सकते हैं। मैं इतनी खुश हूँ ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। फिल्म को जब मैंने डबिंग किया मैंने सिर्फ अपनी सीन्स मैंने देखा, मतलब एज एन ऑडियंस पूरी पिक्चर मैंने नहीं देखी जी। सो कल मैं पहली बार मेरी फिल्म एक प्रॉपर भोजपुरी ऑडियंस मीडिया टीम मेरे टीम के साथ मैंने देखा, इतना खुश थी मतलब। एंड यू नो एक एक सीन को डायलॉग्स को लोग चिल्ला रहे थे, यू नो चेयर कर रहे थे। सच बोलूँ तो मैं भी वहाँ पर हीरो नहीं थी, मैं भी बोल रही थी हूँ क्या डायलॉग है मैम। फिल्म भी इतनी अच्छी बनी है, जब मैं फिल्म देख रही थी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं भोजपुरी फिल्म देख रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं अपनी कोई साउथ तेलुगु या तमिल फिल्म देख रही हूँ, क्योंकि मूवी का स्टोरी इतना अच्छा है, मेकिंग नेक्स्ट लेवल। एंड स्पेशली यू नो लास्ट 30 मिनट्स फिल्म का जो क्लाइमैक्स को जो लास्ट 30 मिनट्स है ना, सब लोग चुप हो जाएंगे, चुप ऐसे ही स्क्रीन को देखते रहेंगे। सो मैं एक्चुअली कल मूवी का प्रीमियर देखने के बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आया फिल्म के बारे में, दैट लोगों को मेरी फिल्म पसंद आएगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? साउथ से हैं आप और भोजपुरी फिल्म बनाई, और भोजपुरी में बिहार में आप लगता है सिनेमा हॉल में पहली बार गई हैं, तो बिहार के लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं? बिहार को लोगों को मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं जितना भी बोलूँ वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम समय में वो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। बस देखिए मेघा श्री जी थी, और मैम खेसारी भैया के लिए क्या शब्द कहिएगा, क्योंकि सुपरस्टार इतना अच्छा फिल्म और ऊपर से आप इतना अच्छा रोल किए हैं उसमें, मेरे को तो लगा भाई ऐसे सामने से भी आप दिखा सकते हैं, पूरा डॉल ही लगती है एकदम बड़ी टाइप की, तो क्या मैम एक्सपीरियंस रहा खेसारी भैया के साथ? केसारी सर फैंटास्टिक हीरो है, मोर देन दैट एज एन इंसान। देखिए हर कोई की लाइफ में एक यू नो एक हीरो इमेज होता है, उसके बाद एज ए इंसान, मुझे सर ना हीरो से ज़्यादा एज ए इंसान मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, जैसे वो सबके साथ बात करते हैं, कहीं भी हमको नहीं लगता है कि ये एक स्टार है, मतलब सबके साथ हम्बल होकर सर बात करते हैं, लेट इट बी आर्टिस्ट, लेट इट बी मूवी टीम, या तो कोई टेक्नीशियन, या तो कोई भी हो, सर यू नो सबके साथ हम्बल वे में बात करते हैं। एंड जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं अपनी पहली फिल्म की प्रौढ़ी इंस्पेक्टर जी, तब मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब मुझे पता मतलब कि हाँ एक वो स्कूल के हीरो है बस, इतने बड़े हीरो है मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि क्या है ना, जब मैंने पहली फिल्म की रोडी इंस्पेक्टर वो सब कुछ शूटिंग हैदराबाद में हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमारा तेलुगु इंडस्ट्री के लोग थे, थोड़ा सा भोजपुरी लोग थे, तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आई नॉर्मली शूटिंग कर रही थी। 3 दिन बाद वहाँ का जो डायरेक्टर है शंकर सिंह ने बताया कि मैडम नहीं ये बहुत बड़ा हीरो है, आप ना एक बार गूगल में सर्च करिए कैसे लगे, बोला ठीक है। और मैंने सर्च किया उसके बाद कि इज वेरी सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार की, उसके बाद मैंने जाकर यूट्यूब में उनका कुछ स्टेज शोज देखा, इतना भीड़ इतना लोग
उसके बाद मैंने बोला कि मम्मी की मम्मी ये बहुत बड़े स्टार हीरो है, मैं बहुत बड़ी मूव कर रही हूँ। मैंने बोला क्या? हाँ। उसके बाद मतलब मैंने बोला कि सर सॉरी मुझे नहीं पता था कि आपके बारे में। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे मैंने यहाँ पर मैंने काम करना मैंने चालू की, मैंने सर के स्टारडम के बारे में मुझे पता चला। एंड क्योंकि क्या है ना सर बहुत ही नॉर्मल रहता है इसलिए मुझे नहीं पता चला कि सर इतने बड़े हीरो हैं। अच्छा, भोजपुरी में डबिंग करना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आप साउथ से, उतना अच्छा भोजपुरी आपको बोलने नहीं आता है अभी भी, हिंदी भी बोलने में इनका थोड़ा सा साउथ स्टाइल आ ही जाता है, तो क्या कुछ मुश्किल रहा क्योंकि पूरे फिल्म में आपका ही डबिंग है? एक्चुअली क्या है ना, जो भी मैं यहाँ पर फिल्म करती हूँ ऑलमोस्ट मेरा एक डबिंग आर्टिस्ट है वही मतलब जाकर मेरा वॉइस डब करते हैं, लेकिन इस यू नो फिल्म का मैं ही डब किया हूँ क्योंकि रोल वैसा है इस मतलब फिल्म का। मेरा रोल ही कि ये लड़की साउथ से आती है उसके बाद शादी हो जाता है, सो यू नो उनको ना मेरे जैसे एक आवाज चाहिए था फिल्म में। तो फिर ये फिल्म एक्चुअली शुरू होने से पहले ही रत्ना के सर बोले थे कि मेघा जी इस फिल्म का डबिंग करेंगे, सूट होगा। बोला ठीक है सर। उसके बाद मैंने डबिंग की, अब मैंने स्टूडियो में डबिंग कर रही थी तो इट वॉज नॉर्मल, लेकिन कल जब मैं फिल्म में देख रही थी ना मुझे ही हंसी आ रही थी। अच्छा। कितना प्यारा लग रहा था वो। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जैसे आप लोगों ने फिल्म बनाया सब चीज़ हुआ, लेकिन आज आप लोग प्रमोशन करने छपरा जिला में जा रहे हैं जो कि खेसारी भैया का होम टाउन है, वहाँ के लोगों के बारे में आपको कुछ पता है? मुझे ज़्यादा पता नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है कि सर बिहार के छपरा जिला से है, सर का गांव छपरा ही है ये मुझे पता है, लेकिन मैं कभी भी छपरा नहीं गई हूँ। मैं बिहार में अगर मैं आई हूँ तो वो पटना यहीं पर ही है। पहला मैं अपने फरिश्ता के प्रमोशन के टाइम आई थी, उसके बाद यहाँ, तो मुझे पता नहीं। एंड अभी मुझे ना आज का मतलब शेड्यूल क्या है मुझे पता नहीं, हम वहाँ जाए कि नहीं जाए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगर हम जाए तो। गाइस बहुत सारे प्यार दीजिए, मैं भी आपको बहुत सारे प्यार। मैम लास्ट में क्या कहना चाहती हैं अपने दर्शकों को, और एक लास्ट में एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट आपके कौन है? अब तक के स्टार्टिंग ये नहीं कहूँगा अभी मेरे खेसारी जी, अब तक के मतलब बचपन से आप तो ऐसे साउथ से हैं, बट किसके बारे में ज्यादा आपने सुना है ऑल ओवर? हाँ, इंडस्ट्री आप मुझे पूछ रहे हैं। मुझे दो एक्चुअली हीरोइंस बहुत पसंद है। अच्छा, हीरोइंस। अच्छा, ओके। हीरोज भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यू नो जिसको मैं ज्यादा बहुत वाव ऐसे में करती ना वो श्रीदेवी। अच्छा। उसके बाद सौंदर्या मैम, शायद आपको पता नहीं, सौंदर्या मैम जानते हो? वेरी गुड यार, सौंदर्या मैम वो भी एक साउथ एक्ट्रेस है। सो मैं दो हीरोइंस को मैं बहुत पसंद करती हूँ, हीरोज लोग भी सब पसंद है लेकिन ये दो मेरा फेवरेट। और आपको पूरा बिहार क्या पूरा वर्ल्ड अब पसंद करने लगा है क्योंकि मेगाश्री मेगाश्री आज आप छपरा में जाएगा, लिटरली मैं आपको बता दूं वहाँ पे लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। पहली बार साउथ की लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में काम की है और मेगाश्री जी आ रही है, तो वहाँ पे आपको क्राउड तो पता चल ही जाएगा। खैर, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहिएगा चलते चलते? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सारे प्यार दिए है। एंड आज से मतलब ये मतलब वीडियो कब अपलोड होगा पता नहीं, ये आज ही हो जाएगा। आज ही हो जाएगा, ठीक है। जब ये अपलोड होगा उस दिन जाकर आप लोग देखिए संघर्ष 2। संघर्ष 2 रिलीज हो रहा है, एक बहुत ही बड़ी फिल्म है। हमारे प्रोड्यूसर रत्नाकर सर हैज़ यू नो इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, एंड इवन संघर्ष 2 उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एंड इवन हमारे पराग सर भी ही सब फैंटास्टिक फिल्म मेकर, एंड सारी सर तो ये तो बोल ही दिया, उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। एंड इवन माही जी, मैं, विनीत विशाल, साबा खान जी, समझ ऐसे में बोलते जो तो क्या करना चाहती हैं। माई गॉड, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। जब मैंने यू नो कृति के साथ जब मैं काम कर रही थी मुझे लगी नहीं लगा कि ये उसका सेकेंड फिल्म है। आई थिंक जब बच्ची थी तब उसने एक फिल्म की, वो भी मतलब बहुत अच्छी एक्टर है। आई थिंक उस फिल्म का जो रोल है लास्ट में यू नो वो बच्ची IPS ऑफिसर बन के आई थी, आई थिंक उसके लिए शी वॉज परफेक्ट। एंड इवन एज एक्टर शी इज़ ए ब्रिलियंट परफॉर्मर। चलिए लास्ट पे अपने दर्शकों को बाय बाय कह दीजिए और हमारे चैनल के लिए कुछ। लोग बाय बाय, संघर्ष की मूवी को प्लीज देखिए और बहुत सारे सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर यू नो संघर्ष तो अगर हिट हो जाए तो नेक्स्ट सीरीज में आपको इससे भी एक बड़ा मूवी आपको देखने को मिलेगा। एंड देन सारे गाइस अप बिहार व्यूअर्स को आप लोग भी जाकर देखिए, एंड जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट। एक बार भोजपुरी में बोल दीजिए का हाल बा।
का हाल बा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत चेहरा थी मेघा श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।